नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी और मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक नया मेकअप वीडियो लेके। तो इस वीडियो का टाइटल है नो मेकअप मेकअप लुक। अरे, इस वीडियो में हम मेकअप करने वाले हैं, पर हमें इस तरीके से मेकअप करना है कि ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि हमने कोई मेकअप किया, पर हमने मेकअप किया है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये रोज टोनर। मेकअप से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये लाइट मॉइस्चराइजर। बेस लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा सा प्राइमर यूज करें, क्योंकि वो हमारी बेस को फ्लॉलेस बनाता है एंड वो हमारी स्किन पे बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स होता है कि आप लोग का ये कहना होता है कि आप जो मेकअप करते हैं वो बहुत ही स्मूथ लगता है आपके फेस पे, पर जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है। उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपने प्राइमर यूज़ नहीं किया है, या फिर आपने बेस के बाद में पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, इसीलिए वो प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेस से पहले एक अच्छा प्राइमर यूज़ करें। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्विकी का ये ऑयल प्राइमर, क्योंकि ये हमारा नो मेकअप मेकअप लुक है, तो हमें हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई मेकअप किया है, तो इसीलिए मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो बाद में जाके ना आपके फेस को एक ड्यूई लुक देगा, तो वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो उसके लिए आज मैं ये वाला फेस ऑयल यूज़ कर रही हूँ। लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ निविया का लिप बाम। जैसे कि हमें हमारे मेकअप को बहुत ज्यादा नेचुरल रखना है, तो मैं कॉन्टोर पहले करूंगी, क्योंकि अगर हम बेस के बाद पाउडर के बाद कॉन्टोर करते ना, तो वो दिखने लगेगा कि हमने कॉन्टोर किया है, तो फिर वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं कॉन्टोर पहले कर रही हूँ बेस से पहले, क्योंकि उसके बाद जब मैं बेस अप्लाई करूँगी तो वो मुझे ऐसा शो करेगा कि मैंने कट किया हुआ है, बट वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से बेस रहेगा। तो इसीलिए मैं पहले कॉन्टोर करूँगी, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ये प्रो कंसीलर। और जब भी आप बेस से पहले कॉन्टोर कर रहे हैं या फिर ब्लश यूज़ कर रहे हैं, हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लिक्विड कॉन्टोर ही यूज़ करें या लिक्विड ब्लश और हाइलाइटर ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं एंड उसके बाद आप बेस यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेस से पहले कॉन्टोर ब्लश या हाईलाइट करें तो आपको लिक्विड यूज़ करना है, एंड बेस के बाद अगर आप यूज़ करें तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ईजी होता है, लिक्विड वाला या फिर पाउडर वाला, तो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। इसे मैं स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं बेस यूज करूंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बेस यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का बेस यूज करना है जो आपकी स्किन से एग्जैक्ट मैच करता हो, क्योंकि ये हमारा नो मेकअप मेकअप लुक है, तो मतलब आपको बहुत ही ज्यादा नेचुरल रखना है, बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना है कि आपने कोई मेकअप किया है। तो अगर आप अपने स्किन से एक शेड लाइटर वाला अप्लाई करोगे फाउंडेशन, तो फिर वो पता चल जाएगा कि आपने कुछ यूज़ किया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो आपके स्किन से मैच करता हुआ वही वाला ही आप बेस यूज़ करें। तो इस पर आप बीबी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट भी होगा एंड ये बहुत ज़्यादा नेचुरल होता है, बट मेरे स्किन पे वो थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है, तो इसीलिए मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। और आज मैंने ये दो फाउंडेशन को मिक्स करके अप्लाई किया है। ये है मेबलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड इसमें मेरा शेड है 220 नेचुरल बेस, एंड मैंने मेबलिन फिटमी का ये 128 वार्म न्यूड वाला फाउंडेशन यूज़ किया है। तो ये दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई करूँगी, और ये एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन से मैच करता है।
एंड मैं फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे पहले फाउंडेशन डैबिंग मोशन में लगा लूंगी। सेम स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। मैंने अच्छे से बेस को ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इवन लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने कोई फाउंडेशन कोई बेस अप्लाई किया है, बहुत ही ज़्यादा लाइट लग रहा है। एंड बहुत ज़रूरी है कि आप फाउंडेशन को डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड करें। अगर आप इस तरीके से रब करेंगे तो वो एक टाइम के बाद में केकी हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से डैबिंग मोशन में ही अप्लाई करना है। इसके ऊपर मैं कोई भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर अप्लाई नहीं करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा ड्यूवी लुक चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल मेकअप लुक है इसलिए। बट अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप हल्का कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा वरना आप लगने लगेगा कि आपने पाउडर किया हुआ है अपने फेस को, तो फिर वो नेचुरल लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा। देन मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी मालियों के इस किट से। एंड बहुत ज़्यादा आपको फिल नहीं करना है, आपको नेचुरल रखना है, तो आप हल्का हल्का जो भी गैप्स है बस उन्हें ही फिल कीजिएगा। देन आप ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा। अब मैं कोई लाइनर कोई काजल यूज नहीं करूंगी, मैं जस्ट अपने आईलैशेस को कर्ल करूंगी एंड मस्करा यूज करूंगी। मस्करा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का द कोलोसल मस्करा। हमारा लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, तो हमें एक ऐसा लिपस्टिक ढूंढना है जो कि नेचुरल लुक दे एंड साथ ही साथ मैट फिनिश हो। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ HR का ये लिपस्टिक एंड इसमें मेरा शेड है 09। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट कलर है एंड बहुत ही इजीली आपके लिप्स पे ब्लेंड हो जाता है और बहुत जल्दी ये मैट हो जाता है। तो अगर आप लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं अफोर्डेबल प्राइस में तो आप इसे यूज कर सकते हैं, इसकी प्राइस है 120। और अगर आप मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए पहले तो इसे अप्लाई कर लेते हैं।
एंड लास्ट मैं इस मेकअप को सेट करने के लिए सेम रोज टोनर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ग्लोई लुक देता है। तो ये है हमारा नो मेकअप मेकअप लुक। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये लुक कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा एंड इस तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।